आज हम डिस्कस करेंगे एन्यूप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी में डिफरेंसेस के बारे में। तो एन्यूप्लॉयडी और जो यूप्लॉयडी है, ये बेसिकली जो है आपके प्लॉयडीज जो होता है प्लांट्स या फिर एनिमल्स में, यानी क्रोमोजोम सेट्स है, उसके रिगार्डिंग चेंजेस होते हैं। तो हम जो इसका कुछ डिफरेंसेस देखेंगे डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में, वेरिएशन के रेस्पेक्ट में, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में, अकरेंस के रेस्पेक्ट में, फेट के रेस्पेक्ट में और एग्जांपल के रेस्पेक्ट में। तो इस छह रेस्पेक्ट में हम एन्यूप्लॉयडी और यूप्लॉयडी में जो होगा डिफरेंसेस को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एन्यूप्लॉयडी का डेफिनेशन होता है कंडीशन इन विच वन और few chromosomes are added or deleted from the chromosome numbers, यानी कि aneuploidy के अंदर या तो कोई chromosome add होगा या फिर delete हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई chromosome है 46, उसमें से मैंने एक chromosome remove कर दिया और उसका हो गया 45, तो ये एग्जांपल हो गया एन्यूप्लॉयडी का। या फिर इसी को दूसरे रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, 46 क्रोमोसोम है, उसमें मैंने एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया तो क्या हो गया 47, ये क्या हो गया 47 क्रोमोसोम। तो ये एक इसका डेफिनेशन को समझने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं यूप्लॉयडी के जो डेफिनेशन उसके बारे में। द कंडीशन इन विच क्रोमोजोम हैव एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ क्रोमोजोम नंबर, यानी कि जो क्रोमोजोम नंबर होगा उसका एग्जैक्ट मल्टीपल यूप्लॉयडी के अंदर बनता है। जैसे कि गेहूं के 6N के अंदर आपका 42 क्रोमोजोम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बात करेंगे N इक्वल टू कितना आएगा, नियरली 7 आना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 7 है तो 6n की जो वैल्यू होगी वो आपका वो आपका 42 होगा। ये एक हेक्साप्लॉयड का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हेक्साप्लॉयड। तो ये भी क्या है आपका, आपका मल्टीपल सेट होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल सेट आपको क्रोमोसोम जो होता है वो रहेगा आपका। अब वेरिएशन का जो रेट होता है एन्यूप्लॉयडी के अंदर, वो रेट जनरली कम होता है, इससे कि इसमें आपका जो वेरिएशन का रेट होगा वो कम होगा, तो स्पीसीएशन में सिंपल सी बात है कम ही होगा। तो अगर हम यूप्लॉयडी के अंदर देखें तो वेरिएशन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में देखूं तो एन्यूप्लॉयडी के अंदर अगर क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता है, तो अगर क्रोमोजोम का नंबर बढ़ेगा तो जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो इंक्रीज करेगा, और अगर क्रोमोसोम का नंबर घटता है तो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिक्रीज होगा। जबकि यूप्लॉयडी के अंदर हमेशा जो होगा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, वो इन्हांस करेगा, बढ़ेगा। अकरेंस की बात करें तो ये ज़्यादा कॉमन होता है, एन्यूप्लॉयडी ज़्यादा कॉमन होता है, और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में मिलेगा ज़्यादातर। जबकि जो यूप्लॉयडी है ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर मिलता है और एनिमल के अंदर काफ़ी रेयर होता है। अगर हम फेट के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इम्बैलेंस को लीड करेगा ना, और किसके अंदर लीड करेगा, ये जो जीन के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसके अंदर। और ये क्या करता है, जो यूप्लॉयडी है एक न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। तो ये क्या करेगा, इसका जो फेट है न्यू स्पीसीज के रिगार्डिंग है यूप्लॉयडी का, और जो कि जो एन्यूप्लॉयडी है इसका जो फेट है ये इम्बैलेंस के रिगार्डिंग है। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ जो एग्जांपल है आपका मोनोसोमी जो 2N-1, अगर एनिमल में रिगार्ड बात करें किसी मोनोसोमी का एग्जांपल, तो आपका क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। और 2N+1 का अगर एग्जांपल हम कहें तो ये आपका होगा है ट्राइसोमी के अंदर आता है, तो 2N+1 में ट्राइसोमी हो जाता है ना। जैसे कि क्रोमोसोम, और क्या मान लीजिए कि अगर 46 क्रोमोसोम है
तो उसमें एक ऐड करेंगे तो 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, ये सब ट्राइसोमी के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिसका नंबर डिप्लॉयड्स और ट्रिप्लॉयड, जैसे कि मैं कहूँ कि ये 2n